इन्फिनिक्स नोट 12 5G फ़ोन जो कि दोस्तों काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा, तो चलिए देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ऑनलाइन किया था तो अभी मेरे को ये रिसीव हुआ है, तो हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग में यहाँ से पहले इससे मैं प्लास्टिक कर दिया हूँ और इसे मैं सीधा डब्बा निकालूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पे बॉक्स में आप देख सकते हो कि इसमें जो है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 12 यानी कि इन्फिनिक्स नोट 12 5G फ़ोन है, ये इसका मॉडल नंबर ये है। तो दोस्तों इस फ़ोन में क्या क्या हमें मिलता है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। तो सबसे पहले जैसे डब्बा निकालेंगे, तो डब्बा निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिल जाएगा 16 एम्पियर का, और जो पीछे का कैमरा है वो मिल जाएगा 50 एम्पियर का। तो काफ़ी अच्छा है कैमरा, और इसका जो डिस्प्ले है सुपर अनमोल्ड डिस्प्ले है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, और 33 वाट का इसका चार्जर आपको इस डब्बे के अंदर मिलता है। चलिए इसे हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं छोटी सी वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे बॉक्स को पहले से खोल के रखा था, और ये रहा हमारा इन्फिनिक्स का सेट जो कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये इन्फिनिक्स है, काफ़ी पतला सेट है, अच्छा लगा, 5G है। तो इसे हम फ़ोन को अभी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक यहाँ पे ये है, तो इसे भी साइड करते हैं, और यहाँ पे हमारा ये 33 वाट का चार्जर है, और ये हमारा USB केबल है, सी टाइप का केबल है। चलिए इसे भी हम साइड में रखते हैं, और क्या मिलता है डब्बा के अंदर। और इसमें एक हमारा सिम निकालने घुसाने वाला एक पिन मिलता है, इसे भी हम साइड में रखते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये हम कुछ हमारे पास इन्फिनिक्स की तरफ से प्रेम लेटर हमें मिलता है, जो कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हम इस प्रेम पत्र को नहीं पढ़ेंगे, इसे साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे एक डब्बे में हमें यहाँ पे एक डॉलर जैसा कुछ रुपया मिलता है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक इन्फिनिक्स का एक प्लास्टिक का कवर मिलता है, तो ये कवर जो है बाकी इस डब्बे में और कुछ नहीं मिलता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस कवर का देखते हैं, तो इस कवर भी काफ़ी अच्छा है, इन्फिनिक्स ने कवर तो दिया लेकिन बहुत अच्छा कवर है, इसे कुछ काम तो करेगा, बराबर है, ये बराबर है, सही है, ये कवर भी सही है। चलिए इसे भी साइड करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की ओर, तो चलिए स्मार्टफोन को निकालते हैं बाहर। तो स्मार्टफोन को दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और इसे हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इस फ़ोन को, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑन कर दिया है, ऑन हो रहा है। तो ऑन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है, ये 5G फ़ोन है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, तो 5G है। तो अब चलिए कुछ इसका अंदर का फीचर देखेंगे, फीचर कब मालूम पड़ेगा दोस्तों, जब इसे हम 10 दिन चलाएंगे तो ये कैसा हमारे साथ परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, ये तो चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जो कि इसका जो प्रोसेस है दोस्तों डायमेंटिक मीडियाटेक 810 का प्रोसेस है, तो काफ़ी प्रोसेस भी अच्छा है इसका। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इसमें कुछ फ़ोन में है तो कुछ सेटिंग, तो सब सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देते। दोस्तों मैंने फ़ोन को सेटअप कर लिया है, और फ़ोन को मैं जैसे आगे पीछे ऐसे करता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में, तो काफ़ी स्मूथ मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये फ़ोन का प्राइस की अगर बात की जाए, तो अगर आप फ्लिपकार्ट ऑफ़र में लेंगे ये फ़ोन को, तो आपको 13,000 कुछ रुपए का ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये फ़ोन को 10 दिन चलाकर फिर एक वीडियो बनाएंगे कि ये फ़ोन कैसा चलता है, कैसा परफॉर्मेंस करता है ये फ़ोन, ये तो चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो एक छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।